गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? हाँ जी सर, अगस्त का करंट अफेयर्स हम लोग डिस्कस कर रहे थे। देखिए गुड इवनिंग पीडीएफ एवरीवन। पीडीएफ मैंने शेयर कर दिया था, और मैंने ये भी कहा था कि इन केस अगर आपको पीडीएफ ना मिले तो मेरे को व्हाट्सएप कर दो। व्हाट्सएप नंबर नहीं हो तो लिख लो आप 9970784642। ठीक है, अगर पीडीएफ ना मिले तो मेरे को व्हाट्सएप कर देना इस नंबर पर। ठीक है, मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। पीडीएफ के लिए मैं कई बार ग्रुप पर व्हाट्सएप लिंक, वो गूगल ड्राइव का लिंक भेज चुका हूँ। अगर नहीं मिला है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना, मैं दोबारा भेज दूंगा, है ना। सारा पीडीएफ वहां पर आपको अपलोडेड मिल जाएगा। क्लियर है सर? हाँ जी। कितने लोग आप लोगों में से कल एग्जाम दे रहे हैं? आज का छोटा ही सेशन रखेंगे। आप लोग में से कोई कल एग्जाम दे रहा है क्या? हाँ जी, आगे पढ़ बढ़े पहले, उससे पहले कुछ पिछले क्वेश्चंस रिवाइज कर लेते हैं। ये बताइए कि जरा मासी ऐप से रिलेटेड कल हम बात कर रहे थे। मासी ऐप कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया? वुमेन कमीशन, ह्यूमन राइट्स कमीशन, माइनॉरिटीज कमीशन या नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स? ओके चांदो जी, एग्जाम दे रहे हैं कल आप। जाट साहब आप भी एग्जाम दे रहे हैं। कल मासी ऐप के बारे में बात कर रहा था, इसको किसने बनाया? नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। भारत नेट प्रोजेक्ट की बात करी थी कल की क्लास में। भारत नेट प्रोजेक्ट को कौन इंप्लीमेंट कर रहा है? भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड, ये रिलायंस जियो, या भारती एयरटेल, या फिर वोडाफोन? ओके आकर गोचाम जी आप भी एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल, भारत नेट प्रोजेक्ट किसने इंप्लीमेंट करना है? भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड ने, स्पेशल पर्पस व्हीकल गवर्नमेंट ने ये बनाया है। लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 35 डिस्कस किया था। व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑटोनोमस व्हीकल फॉर माइन डिटेक्शन? तो हमने इसका नाम बताया था नीराक्षी। ठीक है, नीराक्षी। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 35 तक सर हम लोग पिछली क्लास में करके आ चुके थे, आज उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 36 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज वॉन द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट अवार्ड फॉर ऑर्गन डोनेशन ऑन द ओकेजन ऑफ द 13th इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे ऑन 3rd ऑफ ऑगस्ट 2023? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज वॉन द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट अवार्ड फॉर ऑर्गन डोनेशन ऑन द ओकेजन ऑफ 13th इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे ऑन 3rd ऑफ ऑगस्ट 2023? बताइए सर। हाँ जी, करेक्ट आंसर इज तमिलनाडु। तो एक्सपोर्ट में भी अभी टॉप पे तमिलनाडु चल रहा है, यहाँ पर ऑर्गन डोनेशन में भी सबसे आगे कौन निकल आया? तमिलनाडु। ठीक है, 2008 से लेकर अभी तक 1705 पीपल डोनेटेड देयर ऑर्गन्स, फैसिलिटेटिंग 786 हार्ट, 801 लंग, 1565 लीवर एंड 3046 किडनी ट्रांसप्लांट, 37 पैनक्रियास बिसाइड स्मॉल इंटेस्टाइन एंड अदर ऑर्गन्स, टोटली बेनिफिटिंग 6247 रेसिपिएंट्स सो फार। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये ऑर्गन डोनेशन में टॉप पे कौन है? तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, रिसेंटली डिजिटल हेल्थ इंसेंटिव स्कीम, DHIS, डिजिटल हेल्थ इंसेंटिव स्कीम अंडर द आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन हैज बीन एक्सटेंडेड, इट इज इंप्लीमेंटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन? नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, नीति आयोग, एम्स दिल्ली, या फिर एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन?
हाँ जी, कौन इसको इंप्लीमेंट कर रहा है? देखो, आयुष्मान भारत से रिलेटेड जो भी इंप्लीमेंट करने वाला जो भी काम है, ये कौन कर रहा है? इसके लिए एक अलग से एक बॉडी बनाई गई है, उसका नाम है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। ठीक है, तो आयुष्मान भारत से कोई भी काम अगर रिलेटेड आता है, तो उसके लिए एक ऑब्वियसली एक नई अथॉरिटी बनाई गई है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। ये सारा काम कर रहा है। ये डिजिटल हेल्थ इंसेंटिव स्कीम है क्या? देखो, आपको एक जो गवर्नमेंट कुछ लोगों को आयुष्मान भारत कार्ड दे रही है, ठीक है, तो उसमें उनको एक आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट नंबर मिल रहा है। ठीक है, आयुष्मान कार्ड में एक अकाउंट नंबर लिखा होता है। ठीक है, वो क्या होता है? आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट नंबर, उसे आभा नंबर भी कहते हैं। अभी जो कार्ड्स बांटे जा रहे हैं, वो एक फिजिकल फॉर्मेट में कार्ड्स बांटे जा रहे हैं। अब गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि ये जो भी कार्ड्स हैं आयुष्मान के, उनको क्या करा जाए? डिजिटलाइज करा जाए। ठीक है, ये जितने भी आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड्स हैं, इनको क्या करा जाए? डिजिटलाइज करा जाए। यानी आप बस अपना अकाउंट नंबर बताओ और आपका काम हो जाए। तो इसके लिए एक मिशन चलाया जा रहा है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। ठीक है, बात समझते जाना। एक आयुष्मान हेल्थ स्कीम है भारत सरकार की, ठीक है, उसका पूरा नाम है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, उसमें उसे आयुष्मान भारत स्कीम कहते हैं। ठीक है, तो उस स्कीम के तहत एक आयुष्मान कार्ड दिया जा रहा है, और उस आयुष्मान कार्ड पे जो अकाउंट नंबर लिखा है, उसे कहते हैं आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। ठीक है, आभा नंबर, और उसको डिजिटलाइज करना है। तो उसको, उस मिशन को कह रहे हैं, डिजिटलाइज करने वाले मिशन को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। तो इस डिजिटल मिशन के ही अंडर एक इस इंसेंटिव स्कीम लॉन्च की गई है, डिजिटल हेल्थ इंसेंटिव स्कीम। ठीक है, इसका पर्पस ये है कि डिजिटल हेल्थ ट्रांजेक्शन को बूस्ट करना। ठीक है, यानी जो आपका ऐसे हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, या आपका जो डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं, वो सब जितना डिजिटल ट्रांजेक्शन करेंगे, यानी जितना डिजिटल आपका डिटेल क्रिएट करेंगे। जैसे क्या हुआ, आपने मान लो किसी हॉस्पिटल गए, ठीक है, आप किसी हॉस्पिटल जाते हो, तो एक तो होता है कि सर आपको एक प्रिंटेड कॉपी रिपोर्ट की पकड़ा दी और आपको कह दिया कि ठीक है, आपका काम हो गया। तो आपकी जो डिटेल है, वो सिर्फ और सिर्फ वो प्रिंटेड कॉपी है। कुछ टाइम बाद जाओगे तो वो हॉस्पिटल वाले, हो सकता है आपकी रिपोर्ट की डिटेल डिलीट कर दें। लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल से और जो भी लेबोरेटरीज है, उनसे कह रही है कि आपकी जो रिपोर्ट बनाई गई है, उसको डिजिटलाइज कर दो, एक जगह पर स्टोर कर दो। ठीक है, तो ऐसे हॉस्पिटल्स जो आपके हेल्थ रिकॉर्ड्स को डिजिटलाइज कर रहे हैं, ठीक है, उनको सरकार इंसेंटिव दे रही है, उसी को कह रहे हैं डिजिटल हेल्थ इंसेंटिव स्कीम। ठीक है, इट वॉज लॉन्च फ्रॉम जनवरी 2023। इट एम्स टू गिव अ फर्दर बूस्ट टू डिजिटल हेल्थ ट्रांजेक्शंस इन द कंट्री अंडर द आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। ठीक है, इंसेंटिव वुड बी प्रोवाइडेड टू हॉस्पिटल्स एंड डायग्नोस्टिक लैब्स एंड ऑल्सो टू द प्रोवाइडर्स ऑफ डिजिटल हेल्थ सॉल्यूशंस। ठीक है, तो इन सबको सरकार क्या प्रोवाइड करेगी? इन सबको सरकार प्रोवाइड करेगी आपका इंसेंटिव। बात समझ में आ रही है? यानी जो भी आपका डिजिटल डेटा, डिजिटल रिकॉर्ड क्रिएट करेंगे जो भी हॉस्पिटल्स या डायग्नोस्टिक लैब, उनको सरकार क्या प्रोवाइड करेगी? इंसेंटिव प्रोवाइड करेगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा आपकी डिटेल क्या हो जाए? डिजिटलाइज हो जाए। ठीक है, तो ये पर्पज है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का, उसी के तहत ये डिजिटल हेल्थ इंसेंटिव स्कीम चलाई जा रही है। ठीक है, इज दैट क्लियर और नॉट? इंसेंटिव शैल बी प्रोवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ आभा लिंक्ड ट्रांजेक्शन। ठीक है, यानी आपका ये उनके लिए बात हो रही है जिनके पास आभा है, मतलब आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट जिनके पास है, उनके लिए ये बात हो रही है। तो जितने आप हेल्थ अकाउंट के डिजिटल ट्रांजेक्शन करवाओगे, डिजिटल लिंकिंग करवाओगे, उतना ही सरकार आपको फायदा पहुंचाएगी। क्लियर है सर? क्लियर है तो गिव मी अ थम्स अप। तो इसमें कई सारे एक्चुअली टर्म्स इन्वॉल्व है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट नंबर, है ना, तो वो सब
आपको अगर क्लियरिटी है तो सब अच्छे से समझ में आएगा। और ये सारा जो काम हो रहा है ना सर, जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन कर रहा है, ये सारा जो काम ये किस एजेंसी के अंडर कर रहा है, ये काम कर रहा है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के अंडर, ठीक है। द नेशनल हेल्थ अथॉरिटी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर, फैमिली वेलफेयर इज द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी। क्लियर है सर? ऑल राइट, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 38। रिसेंटली इंडिया हैज वॉन टोटल 11 मेडल्स। अभी एक वर्ल्ड कैडेट रेसलिंग चैंपियनशिप हुआ था अंडर 17 कैटेगरी में, उसमें भारत को 11 मेडल मिले हैं जिसमें से एक गोल्ड है, ठीक है। तो ये जो आपका चैंपियनशिप हुआ था वर्ल्ड कैडेट रेसलिंग चैंपियनशिप, ये किस कंट्री में हुआ था? हाँ जी, वर्ल्ड कैडेट रेसलिंग चैंपियनशिप जिसमें इंडिया को एक गोल्ड मिला है और टोटल हमने कितने मेडल्स जीते? 11 मेडल्स। ये हुआ था आपका तुर्की में, पहले टर्की कहते थे, अब नाम चेंज हो गया, नाम हो गया तुर्की, ठीक है। ये इस्तांबुल में हुआ था। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं तुर्की की कैपिटल क्या है सर? हाँ जी, अगर मैं आपसे पूछूं तुर्की की कैपिटल क्या है तो क्या बताएंगे आप? हाँ जी, इसकी कैपिटल में लोगों को डाउट रहता है, इस्तांबुल लोगों को लगता है, बट करेक्ट आंसर इज अंकारा, ठीक है। तुर्की की कैपिटल इस्तांबुल नहीं है सर, तुर्की की कैपिटल क्या है? अंकारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। रिसेंटली द सुप्रीम कोर्ट has formed an all women judicial panel to address the aftermath of the Manipur violence. It will be headed by who amongst the following? ठीक है, तो जो मणिपुर वायलेंस हो रहा है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑल विमेन जुडिशियल पैनल भी बनाया है। तो सवाल यह है कि उस जुडिशियल पैनल को हेड कौन करेगा? जस्टिस गीता मित्तल, जस्टिस आशा मेनन, जस्टिस शालिनी पी जोशी या दत्ता पार्सालेकर, ठीक है, बताइए सर करेक्ट आंसर। हाँ जी बिल्कुल सर, करेक्ट आंसर इज जस्टिस गीता मित्तल। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये थ्री फॉर्मर विमेन हाई कोर्ट जजेस की कमेटी बनाएगा जो मणिपुर वायलेंस को इंपैक्ट जो इन्वेस्टिगेट करेंगे। इसमें आपका जो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की फॉर्मर चीफ जस्टिस थी गीता मित्तल हैं, और रिटायर्ड जस्टिस शालिनी पी जोशी और आशा मेनन है, ठीक है। तो आपका ये जो मिडल में है ये आपका गीता मित्तल है, और ये जो राइट में है वो आपका शालिनी जोशी है, और जो लेफ्ट में है वो आशा मेनन है। तो ये जो तीन जजेस हैं ये आपका इन्वेस्टिगेट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। रिसेंटली इंडिया हैज वॉन टोटल हाउ मेनी मेडल्स इन द FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023। वो फिर स्पोर्ट्स का सवाल है, स्पोर्ट्स के सवाल अब अपन ज्यादा से ज्यादा कर रहे हैं क्योंकि स्पोर्ट्स पे क्वेश्चन आपको देखने को ज्यादा मिल रहा है, ठीक है। यूडीसी में तो सर 5 क्वेश्चन डायरेक्ट स्पोर्ट्स कैटेगरी से आए थे, तो इसका मतलब स्पोर्ट्स पे थोड़ा सा हमें अच्छी कमांड बना के चलनी है। देखो आप लोग अपने एंड से करंट अफेयर्स में क्या करा करो, लिस्ट बनाया करो अलग अलग, ठीक है। जैसे एक लिस्ट आपने बना ली कि उसमें स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितना भी आप 6 महीने का करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो उसमें से स्पोर्ट्स की सारी न्यूज़ एक जगह निकाल के रख ली,
मिलिट्री एक्सरसाइज की सारी न्यूज एक जगह निकाल के रख ली, जितनी भी इंडिया की इंडाइसिस मतलब रैंकिंग्स वगैरह आई हैं उसकी एक रिपोर्ट अलग बना के रख ली। इंडिया में आपका जितना भी क्या कहते हैं अवार्ड्स वगैरह दिए जा रहे हैं उसकी एक अलग लिस्ट बना के रख ली। तो इस तरह से अगर आप सेपरेट सेपरेट लिस्ट अपने एंड से बनाओगे तो और अच्छे से आपका करंट अफेयर्स प्रिपेयर होगा, ठीक है। तो अभी जो FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 हुए थे चाइना में, उसमें इंडिया ने टोटल 26 मेडल्स जीते, ठीक है, 26 मेडल। तो ज्यादातर जो हमारे एथलीट थे मेडल जीतने वाले वो खेलो इंडिया स्कीम से आए थे और टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम से आए थे, टॉप स्कीम। ये दो सरकार भारत सरकार स्कीम चला रही है इंडिया में एथलीट्स को और जो स्पोर्ट्स पर्सन से उन्हें प्रमोट करने के लिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं। रिसेंटली डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज अनाउंस टू रिप्लेस माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इन ऑल कंप्यूटर्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखो इंडिया में हम लोग जो मेजोरिटी सॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं कंप्यूटर्स में अपने, वो माइक्रोसॉफ्ट का यूज करते हैं, जैसे विंडोज 10, विंडोज 11, तो ये किसके हैं सर? माइक्रोसॉफ्ट के हैं, ठीक है। कुछ और अलग से बनाए गए थे उबुंटू और लिनक्स, बट वो इतना प्रिवेलेंट नहीं है। सबसे ज्यादा आप किसका यूज देखोगे? लगभग लगभग पूरी तरह से कवरेज आप माइक्रोसॉफ्ट का देखोगे, ठीक है। लेकिन ये ऑपरेटिंग सिस्टम अब ऑलरेडी काफी एक्सटेंसिव यूज हो रहा है, इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स आने लगी हैं, इसमें भी हैकिंग काफी हद तक बढ़ चुकी है। तो इसीलिए भारत सरकार ने कहा कि देखो भाई, हम बाहर बाहर की ऑपरेटिंग सिस्टम कंपनी पे भरोसा नहीं कर सकते, हम अपना खुद का एक अलग ऑपरेटिंग सिस्टम बनाएंगे, ठीक है। तो अभी भारत ने अपना एक खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है और डिफेंस मिनिस्ट्री के जितने भी कंप्यूटर्स हैं, अभी डिफेंस मिनिस्ट्री ने क्या करा है, जितने भी उनके कंप्यूटर्स हैं उनमें माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को किससे रिप्लेस कर दिया है? उस नए ऑपरेटिंग सिस्टम से। तो सवाल यह है कि जो भारत ने अभी नया ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है उसका नाम क्या है सर? तो उसका नाम है माया ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, यानी ओपन सोर्स अगर कोई सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम होता है तो उसको कोई भी यूज कर सकता है, ठीक है। यानी उसने अपना एक रेसिपी बता दी। ओपन सोर्स का मतलब है ये है कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे बनाया गया है वो उन्होंने बता दिया, पूरा उसकी कोडिंग उन्होंने रिलीज कर दी, ठीक है। जैसे बहुत से आप सॉफ्टवेयर देखते होंगे लिखा हुआ ओपन सोर्स, ठीक है। ये उसी तरह की बात है कि जैसे कोई मार्केट में मान लो अपना कोई डिश बेच रहा है, कोई मतलब खाने का आइटम बेच रहा है ना, मान लो कोई मार्केट में अपना पनीर की रेसिपी बेच रहा है, तो उसके अगर वो उसको डिस्क्लोज नहीं कर रहा है तो आप उसको फोर्स नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, अगर उसने अपनी रेसिपी डिस्क्लोज कर दी, ठीक है, तो वो कहलाएगा ओपन सोर्स। तो ऐसी भारत ने जो अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया उसे ओपन सोर्स रखा है, यानी कोई भी उस कोडिंग को यूज करके अपना अलग बना सकता है, ठीक है। और इसका ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, ये अभी सरकार इसके लिए चार्ज नहीं करेगी क्योंकि अभी इसको प्रमोट करना है, ठीक है। तो अभी ज्यादा बड़े लेवल पे नहीं, अभी बस डिफेंस मिनिस्ट्री ने क्या करा, अपने सारे सिस्टम्स को इस माया ऑपरेटिंग सिस्टम से क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। इसको लगभग पूरा माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह बनाया है, अगर यूज करने वाले को कुछ खास डिफरेंस फील नहीं होगा इसमें, ठीक है सर। तो ये नाम याद रखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसके चांसेस हैं आने के, ठीक है, ये क्वेश्चन के आने के ज्यादा चांसेस है, ठीक है सर। हाँ जी सर, यहाँ तक चीजें क्लियर हैं? क्लियर हैं तो गिव मी अ थम्स अप, फिर हम लोग आगे बढ़े। क्वेश्चन ये था, रिसेंटली डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया हैज अनाउंस टू रिप्लेस माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इन ऑल कंप्यूटर्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, ये क्वेश्चन था। तो इसको किससे रिप्लेस कर रहे हैं? माया ऑपरेटिंग सिस्टम से रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज अनाउंस टू लॉन्च इट्स लूना लैंडिंग स्पेसक्राफ्ट लूना 25 मिशन, ठीक है।
अभी देखो हमने चंद्रयान भेजा है, लेकिन चंद्रयान से पहले एक और मिशन चांद पे भेजा जा रहा था सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए, लूना 25। ये काफी न्यूज में था, ये खाता खोल देने वाला सर सवाल है, ये मेरे ख्याल से आप बता दोगे इसका करेक्ट आंसर। हाँ जी, तो लूना 25 से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो क्या बताओगे सर इसका करेक्ट आंसर? बिल्कुल सर, करेक्ट आंसर इज रशिया। ठीक है, तो लूना 25 मिशन किसका है? रशिया का है। अब ये तो चलो ठीक है, लूना 25 मिशन रशिया का है। अब थोड़ा सा मून के बारे में याद रखना, अर्थ की ओनली नेचुरल सैटेलाइट है, और हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी मून हैं, ये जितनी भी नेचुरल सैटेलाइट है उसमें फिफ्थ लार्जेस्ट है, और मून की अर्थ से लगभग कितनी डिस्टेंस है? 385,000 किलोमीटर। मून का जो एटमॉस्फेयर है उसे क्या कहते हैं? एग्जोस्फेयर कहते हैं। ठीक है, तो ये दो चार बातें ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ सर, क्वेश्चन नंबर 43। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड एन इंडियन वेब ब्राउजर डेवलपमेंट चैलेंज? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस हैज लॉन्च्ड एन इंडियन वेब ब्राउजर डेवलपमेंट चैलेंज, बताइए सर। भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। यूडीसी में इस तरह से एक्सपेक्टेड था कि पार्लियामेंट नई बनी है, इससे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी हाई है, बट पार्लियामेंट से एक भी सवाल नहीं आया, तो कुछ कह नहीं सकते हो। वैसे तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पोटेंशियल टॉपिक है, मतलब जिससे सवाल बन सकता है। चंद्रयान में वो अगर कुछ अलग पूछेगा तो लॉन्च व्हीकल पूछ सकता है, GSLV MK3 इससे लॉन्च किया गया था। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च एन इंडियन वेब ब्राउजर डेवलपमेंट और चैलेंज? देखो जैसे गूगल क्रोम है ना, मोजिला फायरफॉक्स है, ओपेरा है, ये सब क्या है? वेब ब्राउजर है, यानी इंटरनेट को यूज करने वाले सॉफ्टवेयर। जैसे ये मान लो पूरा आपका ये पूरा वर्ल्ड वाइड वेब है, ठीक है, ये मतलब पूरा एक वेब है, वेब मतलब जाला, ये वर्ल्ड वाइड वेब, यहाँ पे बहुत सारे वेब पेजेस पड़े हुए हैं, ठीक है, जिसे हम वेबसाइट कहते हैं, तो बहुत सारे वेब पेजेस यहाँ पर बने हुए रखे हैं। अब हमें इनमें से किसी को सर्च करना है, ठीक है, हमें इनमें से क्या करना है, इनका एक्सेस चाहिए, हमें इनमें से एक वेब ब्राउजर एक्सेस करना है, तो एक वेबसाइट एक्सेस करनी है, तो इस वेबसाइट को वर्ल्ड वाइड वेब से उस वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, जिसे हम क्या कहते हैं? वेब ब्राउजर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा, ये सब क्या है? वेब ब्राउजर है। तो अभी ये सारे जो वेब ब्राउजर है ये बाहर की कंपनीज के हैं, इंडिया का अभी कोई भी ऐसा बड़ा वेब ब्राउजर नहीं है, तो इसी के लिए एक चैलेंज निकाला गया था, इंडियन वेब ब्राउजर डेवलपमेंट चैलेंज, यानी इसमें एक वेब ब्राउजर बनाना है, उसके लिए एक चैलेंज निकाला गया था। वो किसने लॉन्च किया था? तो ये लॉन्च किया था सर आपका मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने। ठीक है, ये आपका जो डेवलपमेंट चैलेंज है इसको किसने लॉन्च किया था? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसका अपना खुद का ट्रस्ट स्टोर होगा, ये ओपन चैलेंज कॉम्पिटिशन था जिससे लोगों को मतलब वो बुलाया जाएगा कि आओ भाई अपना खुद का एक वेब ब्राउजर बनाओ। ठीक है, इसका अपना खुद का ट्रस्ट स्टोर होगा जिसमें अपना खुद का इनबिल्ट कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी इंडिया रूट सर्टिफिकेट होगा, कटिंग एज फंक्शनैलिटीज, अभी ये सर्टिफाइंग अथॉरिटी की हम बात करेंगे। इसको और कौन हेड कर रहा था? एक तो आपका मीति था, एक कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी बॉडी है, और एक सीडैक, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, ये इन्वॉल्व थे इसमें। ठीक है, ये तो बात हो गई सर, चैलेंज कौन करवा रहा था? नीति। देखो एक बार एक वर्ड आता, उसको मेरे को आपको इंट्रोड्यूस करना था, SSL सर्टिफिकेट, सिक्योर सॉकेट लेयर सर्टिफिकेट। इसका मतलब क्या होता
एसएसएल सर्टिफिकेट का मतलब क्या होता है, ये मेरे को थोड़ा सा समझाना था। देखो तो होता क्या है, एसएसएल सर्टिफिकेट ये हमें चाहिए होता है, क्यों चाहिए होता है, इसका एक रीजन होता है। ये एक टेक्नोलॉजी है, ठीक है, ये एक टेक्नोलॉजी है। ये क्यों जरूरी है, क्योंकि मान लो आपने एक वेबसाइट बनाई कोई, मान लो आपने कोई वेबसाइट बनाई और उस वेबसाइट पे आप क्या कर रहे हो, डेटा कलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, डेटा कलेक्ट कर रहे हो, ठीक है। आपने मान लो एक वेबसाइट बनाई कि आप वहां पर कोई ऑनलाइन प्रोडक्ट्स बेच रहे हो, ठीक है, तो उसमें आप अलग अलग कस्टमर्स के अकाउंट बनाओगे, उनके मोबाइल नंबर लोगे, तो उनका डेटा कलेक्ट करोगे, फिर आप उनका पेमेंट डिटेल्स भी लोगे पेमेंट करवाने के लिए, तो आपके पास डेटा कलेक्ट हो रहा है। अब जो कस्टमर है जो अपना डेटा इस वेबसाइट को दे रहा है, तो उसको तो सर टेंशन है ना कि ये वेबसाइट पे मेरा डेटा सेफ है या नहीं है, ठीक है, कहीं कहीं ऐसा ना हो मेरा डेटा कोई हैकर हैक कर ले, मेरी सारी पेमेंट डिटेल्स यहां से उड़ा ले। तो उसके लिए ये जो वेबसाइट है ये क्या एक्वायर करती है, एक टेक्नोलॉजी एक्वायर करती है जिसे कहते हैं एसएसएल सर्टिफिकेट, सिक्योर सॉकेट लेयर सर्टिफिकेट, ठीक है। तो कोई भी वेबसाइट जब इस टेक्नोलॉजी को एक्वायर कर लेती है तो उसका जो डेटा है वो इनक्रिप्ट हो गया, यानी अब कोई हैकर आसानी से उस डेटा को चोरी नहीं कर सकता, ठीक है। ये मतलब उसी तरह की बात हो गई कि आपने दुकान खोली कि भैया अब सामान कैसे सेफ रहेगा दुकान का, तो आप गए मार्केट से एक ताला लगवा लिया, ऑटोमेटिक ताला, ठीक है। तो ये आपकी वेबसाइट का एक तरीके से क्या है, लॉक का काम कर रहा है, जो आपके कस्टमर्स का डेटा यहाँ क्या करेगा, सेफ रखेगा, आपके डेटा को इनक्रिप्ट रखेगा, कोई इसको यूज नहीं कर पाएगा। अब मार्केट में सवाल आता है कि सर ये सर्टिफिकेट हमें देगा कौन, बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज हैं जो इस सर्टिफिकेट को प्रोवाइड करती हैं, बहुत सारी प्राइवेट कंपनी से आप ये सर्टिफिकेट ले सकते हो, ठीक है। अब लेकिन सर जो प्राइवेट कंपनी हमें सर्टिफिकेट बेच रही है, क्या वो मतलब उस पर भरोसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कि उसका सर्टिफिकेट काम करेगा कि नहीं, मतलब आपने दुकान खोली उसमें ताला लगाया, अब वो ताला सर काम करेगा कि नहीं करेगा, ऐसा तो नहीं कि वो मतलब लोकल ताला दे दे या खराब ताला दे दे जो एक लात मार के टूट जाए। तो इसके लिए जो आपका वेब ब्राउजर होते हैं, ठीक है, जैसे मान लो गूगल क्रोम है, जो भी वेब ब्राउजर होते हैं वो क्या करते हैं, अपने पास एक लिस्ट बना के रखते हैं कि भैया अगर ये सर्टिफिकेट इन्होंने फलानी दुकान से लिया है, फलानी कंपनी से लिया है, तो हम इसको एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए आपने देखा होगा कई बार आप कुछ वेबसाइट्स ओपन करने की कोशिश करते हो, तो जो गूगल क्रोम है या आपका कोई भी वेब ब्राउजर है तो वो कह देता होगा दिस वेबसाइट इज नॉट सर्टिफाइड, ठीक है, कई बार आपने नोटिस किया होगा दिस वेबसाइट इज नॉट सर्टिफाइड, ओपन एट योर ओन रिस्क। तो वो इसलिए बता रहा है क्योंकि उस वेब ब्राउजर के हिसाब से जिस कंपनी से उन्होंने सर्टिफिकेट लिया है वो कंपनी उनकी ट्रस्ट लिस्ट में नहीं है, या फिर वो सर्टिफिकेट उस वेबसाइट के पास है ही नहीं, ठीक है। अब यहां मसला क्या आ रहा है, मसला ये आ रहा है कि देखो भारत सरकार ने भी एक रूट सर्टिफाइंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनाई है, जो क्या प्रोवाइड करती है, ये टेक्नोलॉजी एसएसएल सर्टिफिकेट टेक्नोलॉजी ये कंपनी प्रोवाइड करती है, ये भारत सरकार की है, ठीक है। लेकिन जो फॉरेनर वेब ब्राउजर हैं वो आरसीएआई पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, यानी इनकी भी एक ट्रस्ट लिस्ट की कंपनीज है, ट्रस्ट लिस्ट की इनकी एक कंपनीज है, उसमें आरसीईआई को ये लोग इंक्लूड नहीं करते हैं। तो उससे दिक्कत क्या होती है, आपने नोटिस करा होगा कई बार आप गवर्नमेंट की वेबसाइट्स ओपन करने की कोशिश करते हो लेकिन वेब ब्राउजर उस वेबसाइट को ओपन ही नहीं करता है, वो कह देता है कि दिस वेबसाइट इज नॉट सर्टिफाइड, ओपन एट योर ओन रिस्क। हमें डाउट भी होता है कि भैया ये तो सरकारी वेबसाइट है, ये क्यों नहीं ओपन हो रही है, तो वो इसीलिए ओपन नहीं हो रही होती है क्योंकि ये इस तरह के जो आपका जो सरकार की ये जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी है ये इस वेब ब्राउजर की ट्रस्ट लिस्ट में इंक्लूडेड नहीं है। तो ये इंडिया में एक बड़ा मसला क्रिएट रहता है। तो अब भारत सरकार चाह रही है कि हमारा खुद का वेब ब्राउजर होगा, हमारी खुद की ट्रस्ट लिस्ट होगी, तो वो ट्रस्ट लिस्ट में हम अपनी खुद की जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी है उसका नाम डाल देंगे, तो इस तरह की कभी दिक्कतें नहीं आएंगी, ठीक है।
तो ये थोड़ा सा मेरे को SSL सर्टिफिकेट टेक्नोलॉजी के बारे में आपको कुछ बताना था, ठीक है। आई होप यहाँ तक चीजें समझ में आई होंगी, जो हम कहना चाह रहे हैं उम्मीद है मुद्दा समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो लंबी बात है, एक बार फिर से इसको रिपीट कर लेंगे, ठीक है सर। लंबा मुद्दा है, एक बार चाहे तो आपको इसके रिपीट कर लेना, क्लियर है सर। हाँ जी सर, यहाँ तक कोई डाउट है डू लेट मी नो, क्लियर है तो गिव मी थम्स अप। हाँ जी, कोई डाउट तो नहीं है कि SSL सर्टिफिकेट के बारे में थोड़ा सा मेरे को आपको एक आइडिया देना था, ठीक है। इट इज अ डिजिटल सर्टिफिकेट दैट ऑथेंटिकेट्स अ वेबसाइट्स आइडेंटिटी एंड इनेबल्स एन इनक्रिप्टेड कनेक्शन। इट इज अ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल दैट क्रिएट्स एन इनक्रिप्टेड लिंक बिटवीन अ वेब सर्वर एंड अ वेब ब्राउजर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। रिसेंटली बायलिटरल नेवल एक्सरसाइज जायद तलवार 2023 वॉज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, यूएई, ओमान, सऊदी अरेबिया या ईरान। जायद तलवार, ये तो सर हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं, जायद तलवार एक्सरसाइज बताइए हम किसके साथ करते हैं। बिल्कुल सर, इसका करेक्ट आंसर इज यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। इनके कैपिटल क्या है? अबू धाबी। तो यहां से आपका हम जाए तलवार एक्सरसाइज करते हैं। यहां पर दो लोकेशंस इंपॉर्टेंट हैं, एक तो ये है पर्शियन गल्फ, ठीक है, सऊदी और ईरान के बीच ये आता पर्शियन गल्फ, और ये सऊदी और ये इजिप्ट, इनके बीच में आता है रेड सी, ठीक है। तो सऊदी अरेबिया के एक साइड पे आपका पर्शियन गल्फ, एक साइड पे है रेड सी, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये स्विज कैनाल है जो आपका मेडिटेरेनियन सी और रेड सी को कनेक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। रिसेंटली हु अमंग्स द फॉलोइंग फ्रॉम इंडिया हैज बीन इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ द आईपीसीसी वर्किंग ग्रुप टू वाइस चेयर, ठीक है। मतलब आईपीसीसी के अलग अलग वर्किंग ग्रुप्स होते हैं, उसमें से एक है वर्किंग ग्रुप टू, उसमें तीन वाइस चेयर होते हैं, ठीक है, उसमें तीन वाइस चेयर पर्सन होते हैं, उसमें से एक इंडियन है, तो वो कौन इलेक्ट हुए हैं, तो वो कौन है जो इसमें इलेक्ट हुए हैं, ये सवाल है। हाँ जी, कैलाश संखला, विकास यादव, रमन सुकुमार या लतिका नाथ। हाँ जी, तो करेक्ट आंसर इसका है रमन सुकुमार। तो इस आईपीसीसी के जो वाइस चेयर है वर्किंग ग्रुप टू के, वो कौन बने हैं? रमन सुकुमार। इसमें तीन वर्किंग ग्रुप होते हैं, वर्किंग ग्रुप वन, वर्किंग ग्रुप टू, वर्किंग ग्रुप थ्री। देखो आईपीसीसी का काम क्या है, इसका काम ये एक यूएन की बॉडी है जो क्लाइमेट चेंज की स्टडी करता है, ठीक है। क्लाइमेट चेंज का क्या इंपैक्ट होगा, क्या क्या चीजों से कितना इंपैक्ट होगा, ये सारी स्टडी कौन करता है? आईपीसीसी। इसको किसने स्टैब्लिश किया था? वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और यूएनईपी ने मिलके 1988 में आईपीसीसी को स्टैब्लिश करा था, जिन 195 मेंबर कंट्रीज इसके मेंबर्स हैं, ठीक है। तो इनका पर्पस क्या है? टू असेस साइंटिफिक, टेक्निकल एंड सोशियो इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन रेलिवेंट टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज, पोटेंशियल इंपैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज और ऑप्शंस फॉर मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन। यानी इंसानों ने क्लाइमेट चेंज को किस हद तक बढ़ाया है उसको समझते हैं, उससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा क्लाइमेट चेंज होने से उसको समझते हैं, और ये हमें बताते हैं कि उस क्लाइमेट चेंज को कैसे रोका जा सकता है, या अगर नहीं रोका जा सकता है तो उस क्लाइमेट चेंज में हम अपने आप को कैसे अडेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आजकल हम लोगों ने क्या है ना, थोड़ा सा वे ऑफ थिंकिंग में चेंज आया है। जैसे पहले हम लोग डिजास्टर रेजिस्टेंस की बात करते थे, डिजास्टर रेजिस्ट करने की, जैसे पहले हमारी पॉलिसी बनती थी फ्लड प्रिवेंशन की,
कि बाढ़ को कैसे रोका जाता है, अब बनती है फ्लड मैनेजमेंट को, कि अगर बाढ़ आ जाए तो किस तरह से डील किया जाएगा। तो वही बात है, अगर रोकना है तो मिटिगेशन, अगर अडेप्ट करना है तो अडेप्टेशन, दोनों ही केसेस की बात ये आपका करता है। और इसीलिए आईपीसीसी प्रॉपर रिपोर्ट्स बनाता है इन सारी चीजों को लेके, जहां पर क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड वो कंप्लीट डिटेल्स प्रोवाइड करता है। ये खुद साइंटिफिक रिसर्च नहीं करता है, ठीक है, ये खुद साइंटिफिक रिसर्च नहीं करता है, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में जो साइंटिस्ट काम कर रहे होते हैं उन सबका डेटा एक जगह पर इकट्ठा करके ये अपना एनालिसिस बताता है, ठीक है। आईपीसीसी खुद रिसर्च नहीं करता, ये अलग अलग साइंटिस्ट से रिलेटेड डेटा लेता है और उनकी एनालिसिस बताता है। तीन वर्किंग ग्रुप्स हैं, वर्किंग ग्रुप वन क्लाइमेट चेंज की फिजिक्स पे बात करता है कि क्या क्या चीजें हैं जिनकी वजह से आपका ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है। वर्किंग ग्रुप टू है, वो बताता है इसके क्या इम्पैक्ट हैं और इसको हम कैसे एडेप्ट कर सकते हैं। और वर्किंग थ्री, ग्रुप थ्री बताता है कि क्लाइमेट चेंज को कैसे रोका जा सकता है, ठीक है। इनकी तीनों की अपनी सेपरेट सेपरेट रिपोर्ट आती है, फिर इन तीनों को कंपाइल करके एक इंडिविजुअल सिंथेसिस रिपोर्ट बना दी जाती है, ठीक है सर। तो दैट इज ऑल अबाउट इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, आई होप इट इज क्लियर। हाँ जी सर, तो आज सर यहीं तक रखेंगे, आज एक बस छोटा सा सेशन मेरे को लेना था आपका। अब जो भी लोग कल एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, अब उनको ध्यान इस चीज का रखना है कि अब जितना तैयारी होनी थी हो गई, अब बिल्कुल रिलैक्स होइए। बहुत ज्यादा फिर भी पढ़ने का मन कर रहा है तो मैथ में जो शॉर्ट ट्रिक वाले फॉर्मूला है उनको पढ़ लीजिए, और इंडियन पॉलिटी के जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स अपन ने पढ़ाए हैं उनको पढ़ लीजिए, ठीक है। और बाकी अब जितना पढ़ना था आप पढ़ चुके हैं, अब बस रिलैक्स होके जाना। हो सकता है आपको लग रहा हो, देखो ये मैं बता दूं, तैयारी कभी भी किसी की पूरी नहीं होती है। अगर आपको लग रहा हो मेरा सिलेबस नहीं हुआ, किसी का भी सिलेबस पूरा नहीं होता है। अब जितना भी तैयार होना था हो गया, अब आपको सिंपल जाकर अपने आप को कंसोल करना है और सो जाना है। क्योंकि कई बार क्या होता है, रात में एंजाइटी की वजह से नींद नहीं आती और सुबह आंख खुलती नहीं है, या सुबह जबरदस्ती उठते नींद पूरी नहीं होती है और एग्जाम में उसका इंपैक्ट पड़ता है। तो जहां पर जितने क्वेश्चन आ भी रहे होते हैं उसमें भी 10% गलत कराते हो आप, तो आप जिस पॉइंट पे खड़े हो वहां पर 1% भी आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो गलती करना, ठीक है। 1% गलती करना भी हैवी पड़ जाता है। तो अब अपने आप को बिल्कुल कूल माइंड रखो, बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ और चिल होके कल का पेपर करना, ठीक है। अपने आप पे बस भरोसा रखो, ठीक है। अब अपने आप चीजें बेटर होंगी, अपने आप चीजें इंप्रूव होंगी, बस अपनी पूरी ईमानदारी के साथ पेपर कल अटेम्प्ट करना है, ठीक है सर। चलिए फिर, तो अ वेरी बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड टू ऑल अवर एस्पिरेंट्स जो कल का एग्जाम दे रहे हैं। कल एग्जाम फोड़ के आइए, एग्जाम जैसे ही हो जाए उसके बाद बराए मेहरबानी पीडीएफ जो है उसका वो पेपर का फोटो हमको भेज दीजिएगा, तो अपन जितना जल्दी आप हमें पेपर भेजेंगे उतना ही जल्दी हम आपको आंसर की बना के दे देंगे, ठीक है सर। हाँ तो ये तो देखिए, हाँ ये तो तजुर्बा है सर, कितना ही पढ़ लो हमेशा कम लगता है, अब बस रिलैक्स होके बैठ जाना है। हाँ तो उदान जी, ऐसे लोग जो बिना तैयारी के जाते हैं उन्हीं के लिए हम करेंट अफेयर्स कराते हैं ताकि वो थोड़ा सा तुक्का लगाने में एक्सपर्ट हो जाए ना, थोड़ा सा अगर नहीं भी सवाल आता है तो तुक्का लगा के सही करने की कोशिश करें। अगर पेपर टफ आता है तो सबके लिए टफ है, आसान आता है तो सबके लिए आसान है। टफ आए तो घबराना नहीं है, बहुत आसान आए तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है। आसानी में आज जब पेपर आसान होता है तो सिली मिस्टेक में नुकसान होता है, और जब पेपर टफ आता है तो हम सारा ही पेपर छोड़ देते हैं, तो उसमें जो आसान पोर्शन पोर्शन होता है उसको भी नहीं कर पाते। जब पेपर टफ हो तो उसमें से क्या करना है, कुछ नहीं, आसान आसान क्वेश्चन ढूंढ के जरूर अटेम्प्ट करने। कितना ही पेपर टफ हो, अच्छा खासा परसेंटेज आपका इजी होता ही होता है, ठीक है। तो वो इजी क्वेश्चंस को कोशिश करिएगा अटेम्प्ट करें, और अगर पेपर इजी आता है तो बहुत ध्यान से क्वेश्चंस करना, फिर सिली मिस्टेक्स के चांसेस ज्यादा रहते हैं, ठीक है सर। चलिए फिर, तो यहीं पर आपसे फिर विदा देंगे, इसके आगे के क्वेश्चन वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।